नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। मेरे इस बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम साध्य है और ये एक MNC में बैंगलोर में जॉब करते हैं। अभी फिलहाल ये दिल्ली में है, चूंकि लॉकडाउन के बाद से वर्क फ्रॉम होम इनका चल रहा है। आप लोग जैसा कि पीछे से हमारा वीडियो देखते आए हैं सहारा इंडिया के बारे में, और सेम इन्होंने हमारा सहारा इंडिया का वीडियो देखा, चूंकि हमारे मित्र हैं, तो सेम इसी तरह का सिचुएशन इनके साथ हुआ है। और किस मामले में हुआ, एक कंपनी है जिसका नाम रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, जो कि सेम सारा इंडिया के जैसा ही इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसके अंदर, और उसके बारे में ये कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि इनका पैसा फंसा हुआ है, कंपनी के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब चूंकि वीडियो बनाने का मेन मकसद है, ऐसे अगर आप भी अगर अभी भी फंस रहे हैं तो कम से कम ना फंसे, क्योंकि फंसेंगे तो आपका पैसा इन्हीं के जैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले साथ से ये बताइए कि आपने कब अपना ये जो कंपनी है रॉयल ट्विंकल स्टार, इसमें कब इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? हमने शुरुआत की थी 2004 से पैसे इन्वेस्ट करना। कहाँ कहाँ दो से? बार कहाँ कहाँ ऑफिस था आपका? मेरा ऑफिस मुंबई में ही था, मतलब अच्छा, मुंबई में जब रहते थे। रॉयल का ऑफिस जो था, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब का, वो ऑफिस जो था वो दादर में था। ओके। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको डबल पैसे आएंगे विद इन 6 ईयर। अच्छा। तो मैंने इसी लालच में आके अपना पैसा इन्वेस्ट किया, बट ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने पैसे रिटर्न भी लिए थे दो बार। उसके बावजूद मुझे यू नो इन्फ्लुएंस में आ गया मैं, एजेंट ने कहा कि और पैसे बढ़ेंगे आपके, पैसे और दुगने हो जाएंगे। तो मुझे, मतलब मैं कहूंगा कि मुझे भी एक लालच थी कि पैसे डबल डबल होते जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मैंने इसी लालच में आके पैसा डाला। बट आज मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, लालच में आके मैंने सबसे पहले कौन सा कंपनी था? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया मुझे कि वो कंपनी का नाम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और चेंज करते रहते हैं, तो सबसे पहले क्या नाम था, फिर क्या नाम हो गया? पहले ट्विंकल स्टार के नाम था जब भी मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसके बाद वो रॉयल ट्विंकल स्टार हो गया। ओके। एंड उसके बाद ये सीट्रस करके आ गया। अच्छा। हाँ। तो हमने कभी इससे नोटिस ही नहीं किया था, ये बदलता गया, बस हमें पैसे से मतलब था। इसलिए बहुत सारे फ्रेंड है मेरे जो यही करते हैं कि पैसे लग रहे हैं, हमें पता है कि कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश है, ऑफिस सेम था दोस्तों, बात याद रखिए, ऑफिस सेम था, जगह सेम थी, सिर्फ कंपनी के बोर्ड चेंज हो रहे थे, जिसे हमने कभी नोटिस नहीं किया था। हम यही बोर्ड चेंज हो जाते थे। जी हाँ, जैसे सहारा इंडिया का हुआ है, बोर्ड चेंज होते थे, फॉर्म चेंज होते थे। और 2000 कब किया था आपने? 2004 से मैं इन्वेस्ट। एक बार वो वाला कॉपी लाइए, अभी मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ हमने अभी सर्च किया है, और सर्च करने के बाद एक जो न्यूज है बिजनेस स्टैंडर्ड, उसका 8 मार्च का 2022 का, ऐसे मैं जैसे ये वीडियो एंड होगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, इसमें लिंक डाल दूंगा, आपको जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से, उस न्यूज के हिसाब से आपको बता दूं कि दिसंबर 2018 में क्या हुआ था, सेवी ने 50 लाख रुपए का फाइन किया था इसी कंपनी को, क्योंकि उन्होंने उनका आदेश नहीं माना था, उन्होंने पैसा जमा देने से रोक लगाया था, और रोक लगाने के बावजूद उन्होंने क्या किया था, निवेशकों से पैसे लिए थे, और इसी के लिए उनके ऊपर 50 लाख का फाइन किया था। और अभी 2019 में, दिसंबर 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, और उसमें एक कमेटी उन्होंने बनाया है, सेल कम मॉनिटर कमेटी, जिसमें कि रॉयल स्टार ट्विंकल का 114 प्रॉपर्टीज को बेचने का ये हुआ है, और हो सकता है सेम सारा इंडिया के जैसा ही इसका आदेश आए पैसा लौटाने का। तो अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो फिर मैं आगे इस पे नजर रखूंगा, और ऑर्डर अगर आता है तो उसकी मैं जानकारी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसने 26 कितना है 2656 करोड़ रुपया पूरे इन्वेस्टर से, पूरे देश के इन्वेस्टर से लिया है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इसका ब्रांच कहाँ कहाँ है, लेकिन आगे से आपको इस नाम का कोई कंपनी दिखे या फिर कोई भी इस तरह का प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कीम, उसके झांसे में आप ना आए, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको 6 साल में डबल का, 5 साल में डबल का ऑफर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पैसे लौटाते नहीं है। तो ऐसे कंपनियों से सावधान रहें, और कम से कम अपने आसपास में लोगों को अवेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं सहारा इंडिया के राह पे बहुत सारी कंपनी, और भी एक दो कंपनी का नाम आप में से बहुत सारे साथी ने कमेंट्स में लिख करके हमें बताया है। तो अभी हमारे जो साथी इन्होंने बताया हमें, तो हमें लगा कि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, कम से कम आप लोग अवेयर रहेंगे, तो कम से कम ये जो है रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, इसमें पैसे निवेश ना करें, क्योंकि अभी पैसा जो सीट्रस के नाम से प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग नाम से ये क्या करते हैं, नाम बदल लेते हैं। तो खैर, आप
कम से कम अगर कोई सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।